हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फेक्चर्स। सो सी यू ई टी, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट होना था फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 2nd of April से स्टार्ट होना था, बट अब ये एक्सटेंड हो चुका है और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 6 April to 6 May है। तो 6 May आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए और फी पेमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे बेसिकली डिले करने का रीज़न ये हो सकता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ब्रोशर नहीं निकाल पाई है, और जब तक एडमिशन ब्रोशर नहीं आएगा तब तक किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आने वाला है कि वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा डोमेन दे या कौन सा सेक्शन के लिए वो अप्लाई करे। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कि वो कौन से कोर्स के लिए कौन सा सेक्शन ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 कोर्सेज के लिए ही वो CUET एक्सेप्ट करने वाली है। सो उन कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है या उन कोर्सेज के लिए वो कौन सा सेक्शन ले रही है। सो हर कोर्स के लिए वो एक ही एग्ज़ाम ले रही है, और हो सकता है सेम कोर्स के लिए जो अलग दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मल्टीपल सेक्शन ले। सो डिपेंड करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, बट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से सेक्शन के लिए और पर्टिकुलर सेक्शन में आप कौन कौन सा एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, लाइक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही एग्ज़ाम करवाए डोमेन स्पेसिफिक के लिए, हो सकता है जो दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 2 या 3 टेस्ट करवाए। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे एंड देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जब तक आपके ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आपके डिज़ायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है कि आप कौन से सेक्शन के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन लास्ट डेट है 6 May 2022, और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होना है वो 1st और 2nd week of July में होगा। तो 2 slots में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। पहला स्लॉट जो है उसमें टोटल 3 घंटे 15 मिनट्स का पेपर होगा, और जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आपका 3 घंटे 45 मिनट्स का होगा। सो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में आपका ये एग्जामिनेशन होना है। टोटल 13 languages है, और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, ये सारे लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या सेक्शन है उसमें आप सेम जो लैंग्वेज चूज़ करने वाले हैं उसी लैंग्वेज में पेपर देंगे। बाकी अदर जो जनरल टेस्ट है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आप 13 languages में से किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। सो अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक तभी ओपन होगा जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 6 April से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये लिंक भी तब ओपन हो जाएगा। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जैसे सबका एडमिशन ब्रोशर आता जाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।